आप छत्तीसगढ़ से हो या चंडीगढ़ से हैं, हम सब एक ही मिट्टी के लोग हैं, देवभूमि भारत कहते हैं हम इसको। एंड आई डोंट नो एंड आई एम स्टिल सर्चिंग, आप में से किसी को जवाब मिले तो मुझे ढूंढ के बताइएगा, आई वुड रियली अप्रिशिएट। मुझे समझ में नहीं आया, दो आई नो कि ट्रांजिशन है स्लो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग मैट्रियार्की सोसाइटी से पैट्रियार्की सोसाइटी कब हो गए। हम लोग हमेशा महिला प्रधान देश रहे हैं, हमारी संस्कृति महिला प्रधान रही। क्यों बोल रहा हूं, मैं हिंदू और हमारे जितने भी भगवान हैं उनमें ज्यादातर लोगों का नाम जब आप लेते हैं तो आप बोलते हैं अंजनी पुत्र, करेक्ट? भीष्म पितामह को आप बोलते हैं गंगा पुत्र, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन। इन्हीं में से जिन लोगों ने डिसाइड किया कि शादी करना है वो शादी के बाद अपनी पत्नियों के नाम से जाने गए, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधेश्याम। तो हम तो उसी मिट्टी के हैं। हमारे हमारे देश में कभी भी स्वयं वर ही हुआ है, हमेशा कभी स्वयं वधु नहीं हुआ है। सो यू फीमेल्स ऑलवेज हैड द अपर हैंड टू चूज कि आपका जीवन साथी कौन बनेगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब हो गया बचपन में, बिकॉज मेरी शुरुआती पढ़ाई होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में हुई। अभी इम्तियाज भाई वाज टेलिंग कि सब ठीक है यार, पूरी दुनिया घूमो लेकिन कल्चर अपना बचा कर रखो। होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई हुई तो पता चला कि माय नेम इज अक्षत गुप्ता, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता, और वहां से सब कुछ, वो पहला पड़ाव है जहां से सब चेंज होने लग जाता है हमारे खुद के दिमाग में। तो हमारे जब भगवान, आप लोगों को सी व्हाट वी हैव डन, दिस अ बिग ब्लंडर एंड स्कैम दैट वी हैव डन कलेक्टिवली, वो ये है कि एक प्रोविंस में, एक एम्पायर में, एक किंगडम में दो ऐसे लोग हैं जो अलाउ कर सकते हैं कि मेरे दीवारों के अंदर दरवाजे से कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वो दो लोग कौन है, एक है एम्परर और दूसरा है डोरकीपर। वो जो दरवाजा खोलता है और दूसरा जो परमिशन देता है कि दरवाजा खोल दो, करेक्ट? ऐसे ही होता था पहले पूरी दुनिया में। हम लोगों ने गलती कर ली है कि हम लोगों ने, यू आर द क्वींस ऑफ द वर्ल्ड, मेरे भगवान भी आपकी परमिशन के बिना प्लेनेट अर्थ में नहीं आ सकते, मेरा राम नहीं आ सकता आपकी परमिशन, वुमेन की परमिशन के बिना, मेरा कृष्ण नहीं आ सकता, वो बैकुंठ धाम में बैठ सकते हैं, वहां लक्ष्मी जी उनका पांव दबा सकती हैं, यहां सीता को से दूर होने का निर्णय राम ले सकते हैं, लेकिन राम, हनुमान, कृष्ण, बलराम, इनमें से कोई भी आप लोगों की परमिशन के बिना नहीं आ सकता। गड़बड़ हमने ये कर लिया कलेक्टिवली कि आप लोग क्वींस हैं, हमने आपको डोर कीपर जैसा ट्रीट करने लगे। ये हो गया विद टाइम, हो गया। सो और बोलते हैं ना कि शुरुआत तो अपने घर से शुरू होती है। मेरे छोटे भाई का 2 साल का बेटा है, अगर आप उससे पूछेंगे कि टेल मी योर फुल नेम, तो उसको लगता है कि उसका पूरा नाम ही है अनंता पुत्र अगस्त्या गुप्ता, और वो तोतलाते हुए अपना पूरा नाम यही बोलता है। पूछेंगे टेल मी योर नेम तो बोलेगा अगस्त्या, और बोलेगा फुल नेम तो वो अगस्त्या गुप्ता नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अनंता पुत्र अगस्त्या गुप्ता। मुझे किसी को कुछ सिखाना है तो पहले खुद उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। बहुत सुंदर सोच है, और आई डू होप आज जो बच्चे सुन रहे हैं, सम ऑफ देम विल गो बैक इंस्पायर्ड एंड ट्राई टू फॉलो व्हाट यू जस्ट सेड। आई विल आल्सो वांट टू ऐड ऑन वन मोर लाइन ऑन टू दैट, व्हाई अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। मेरी अपनी जर्नी रही है, तकलीफें रही हैं जो शायद आगे के स्पीच में आप लोगों को बिना बोर के समझाऊंगा, सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन मेरे सबसे बुरे वक्त में जो मेरी साथी और मेरी दोस्त थी, जो अब पन्नों पे मेरी पत्नी कहलाती है, जिन्होंने मुझे डिप्रेशन से निकाला, और 4 साल वो मुंबई जैसे शहर में और 5 स्टेट्स इंक्लूडिंग चंडीगढ़
मैं काम कर रही थी ताकि मैं अपने मन का काम कर सकूं, मैं बैठ के कहानियां सोच सकूं, किताब खत्म कर सकूं और उसको पब्लिश करके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तक पहुंच सकूं। उस 4-5 साल में आई वॉज जेन्युइनली टेकिंग केयर ऑफ माई हाउस। मुझे पता है कि मेरे घर में जब नई हाउस हेल्प आती है तो कौन से कोने में नहीं घुसेगी सफाई करने, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं वो कॉर्नर जरूर चेक करूंगा। आमतौर पे जो बाइया होती हैं या हाउस हेल्प होते हैं वो घर की महिलाओं से तंग होते हैं क्योंकि वो हर जगह पिन पॉइंट करती रहती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अपने घर की वो की एंड का वो जो की है वो मैं हूँ और मैं बहुत प्राउडली हूँ। सेकेंड चीज, मुंबई में अब 7 रुपए पर शर्ट चल रहा है प्रेस का प्राइस, अभी 7 रुपए लेते हैं वो पर शर्ट, कुछ लोग 8 भी लेते हैं। वो जब 3 रुपए था तो 3 से 5 कब हुआ और 5 से 7 कब हुआ वो आप मेरे से पूछिए क्योंकि मेरी वाइफ को अब नहीं पता ये। और मैं आज भी अपने जो प्रेस वाले भैया हैं उनका नाम शिव है, मैं उनसे आज भी झगड़ रहा हूँ कि तुम शर्ट का 7-8 रुपए लेते हो समझ में आता है, तकिए की खोली का क्यों लेते हो साहब, उसमें तो क्रीज नहीं बनानी पड़ती है, बटन के पीछे निकालना नहीं पड़ता, ऐसे करना होता है, उसका तो कम लिया करो। तो ये सारी जो आमतौर पर बोल दी जाती है ना ये लड़कियों वाली हरकतें, ये मैं करता हूं। और आज की डेट में whenever I get an award, whenever I sign a new agreement, whenever I get a new check, मैं बहुत बेशर्मी से, बेबाकी से और प्राउडली आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप सब की नजरों में नजरें मिला के, कि मैं अपने दोनों हाथ से अपनी पत्नी के दोनों पांव छूता हूं, वो मुझसे उम्र में 3.5 साल छोटी है। So that is why proudly a full-time house husband, a part-time author, screenwriter, poet, and lyricist. We want some more hearts of women present here. प्रणाम मैं हिंदू हूँ, ये एक आपकी बहुत फेमस कविता है और उसे सुने बिना आगे बढ़ना would be sacrilege, I would think. So could I request you to share that poem? कुछ लोगों ने द हिडन हिंदू की किताबें लाई हैं जो मेरी लिखी हुई हैं, थैंक यू सो मच। कुछ की साइन हुई है, कुछ की मैं करके ही जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। ये कविता पढ़ने के लिए प्लीज अलाउ मी टू स्टैंड। इट डजंट मैटर कि आप में से कौन व्यक्ति, आप लोग जितने भी हैं, कौन से कल्चर के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, जिस भी रिलीजन के हैं फील प्राउड ऑफ इट बिकॉज रिलीजन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट कीप्स यू इन द राइट ट्रैक। और मुझे बार बार पूछा जा रहा था कि किताब का नाम द हिडन हिंदू क्यों रखा, हिंदू वर्ड कैसे यूज कर लिया, इतने आराम से कैसे यूज कर लिया, तो उसका जवाब यह है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूं, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। चिता की अग्नि गंगा का पानी कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, चिता की अग्नि गंगा का पानी कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। और ये आखिरी कुछ लाइनें हैं कि प्रणाम का भाव भी मैं हूं और आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हूं। How did that idea germinate and why did you base your stories on mythological characters? That's a tricky area to go into these days. Number one, I don't believe that it is any of that is mythology. Mythology comes from the word called mithya. Mithya makes reality fake. So if you will believe that it is mithya, you will call it mythology. If you will believe that it is satya, you will call it satyalogy.
सो फॉर मी इट इज सत्यलॉजी, बिकॉज आप सोचिए ना, हम लोग पंजाब की धरती पे बैठे हैं और आज से 10,000 साल बाद कुछ लोग बोले कि गुरु नानक देव नहीं थे, ये सब तुम लोग का वहम है, गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, ये किसने तुम लोग को कह दिया कि 2023 में 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होता है, ये सब कुछ नहीं हुआ था, ये सब तुम लोग को बता दिया गया कहानी, ऐसा लगेगा। यही हो चुका है, यही हो चुका है, सब कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर ठीक है, हम थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं, वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड इंडियंस, हमको मजा आता है नमक मिर्च लगा के कहानी को सजाने में, तो हो सकता है हमने थोड़ा सजा दिया होगा, पर ये कैसे कह सकते कि कुछ हुआ ही नहीं कभी, कहां से आता हूं मैं, कहां से आते हैं आप, किन्होंने बनाया हजारों साल पुराना मंदिर, कहां से आता है बिलीफ सिस्टम। तो हम थे, हम हैं, और विद ऑल ह्यूमिलिटी devotion and respect to every other religion, हम रहेंगे, that is not changing. सवाल था कि कहानी का आइडिया कहाँ से आया। As I said, I'm a proud Hindu, मैं जिस परिवार में पढ़ा हुआ हूँ, मेरी माँ और मेरे डैड उस समय उस छोटे छोटे गाँव में खोल दें स्कूल जी वाले गाँव में पहले लव मैरिड कपल है। So my mom, as she quotes herself, कि मैं उच्च कोटि ब्राह्मण हूँ और मेरे डैड गुप्ता हैं, जो कि मैं भी हूँ, और उनकी लव मैरिज थी, तो शुरू से हमको समझा दिया गया था, हमको समझ में आ गया था कि बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा थोड़ा थोड़ा। सो पच्चीनों पे अपने पिताजी के चलते चलते आई ऑल्सो गॉट लव मैरिड, देन आई हैड अ ब्यूटिफुल सन 6.5 ईयर्स ओल्ड। आप में से कई लोगों को मार्वल फिल्म और डीसी फिल्म बहुत अच्छी लगते हैं, कितनों का फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन है। सी, अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि मार्वल के 7 सुपर हीरोज का नाम बताइए तो आप खट खट बता देंगे, फिर मैं बोलूंगा डीसी के बताइए, आप में से कई लोग उसको भी बता देंगे, आपको डिफरेंस पता है कि मार्वल के सुपर हीरोज कौन है और डीसी के। आप मुझे साथ साथ हीरो छोड़िए विलेंस के नाम बता देंगे, पर अचानक से जब वो एक रोटेशन में बात शुरू हो जाएगी और मैं आपसे बोलूंगा कि 7 चिरंजीवियों का नाम बताओ जो हिंदू एंशियंट स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं, तो आप लोग सोच के 2-3-4 नाम बताएंगे और 5वें-6वें तक या आप गिव अप कर देंगे और या फिर आप गलत नाम देने लग जाएंगे। तो मुझे ये समझ में आया, मुझे सिखाया मेरे 6.5 साल के बेटे ने, जिसको मैं 9 साल से देख नहीं पाया हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग टू सी हिम, टू टच हिम, टू हियर हिज वॉइस, टू नो व्हाट ही लव्स, टू नो हु हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड इज। आई हैव नॉट सीन एंड मेट हिम सिंस लास्ट 9 ईयर्स, बट व्हाइल ही वॉज टेकन अवे फ्रॉम मी, यू नो, ऐसा होता है कि आप लोग जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे और सामने तो मुझसे भी बड़े लोग बैठे हैं, वी स्टार्ट डिवाइडिंग आवर टाइम्स इनटू स्लॉट्स, क्योंकि हमको वैसे ही बचपन से सिखाया जा रहा है ना, इतने बजे उठना है, इतने बजे बस स्टॉप पहुंचना है, घंटी बजेगी तो एक लेक्चर खत्म हो गया, एक पीरियड खत्म हो गया, एक और बार बजेगी तो एक और चेंज हो गया, इतने बजे आपको जाना है, इतनी देर आप खेल सकते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क करना है, इतने बजे सो जाना है क्योंकि अगले दिन इतने बजे उठना है। We are trained. तो जब वो सबकॉन्शियस में आ गया, डीएनए में आ गया, मसल पावर में आ गया, तो जब आप बाद में यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ कि ये इसका टाइम है, ये उसका टाइम है, मेरे दोस्तों का टाइम है, ये इंस्टाग्राम के रील का टाइम है, यू नो, ये मेरी पढ़ाई का टाइम है, ये मेरा टाइम है, आप और बड़े होते हैं, फिर आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनका भी आप टाइम स्लॉट निकालते, क्योंकि फिर परिवार का टाइम कई बार एक नहीं रह जाता है, ये मेरी वाइफ का टाइम है, ये मेरे बच्चे का टाइम है, और ये मेरे पेरेंट्स का टाइम है। मेरा भी एक समय होता था मेरे बेटे के साथ, वाइल ही वॉज टेकन अवे फ्रॉम मी, आई डिसाइडेड कि उनके साथ बिताने वाला जो वक्त है ना, मैं उनके बगैर भी उन्हीं के साथ बिताऊंगा, आई विल स्टिक टू दैट टाइम एंड आई विल स्पेंड दैट टाइम विद माई सन, इरिस्पेक्टिव वेदर ही इज और ही इज नॉट अराउंड। और उस समय मैं ये कहानी लिखना शुरू किया था उनके लिए, मुझे लगा था 4-6 महीने में समझा बुझा के ले आऊंगा, 4-6 महीने का 1 साल हो गया मैं लिखता रहा, 1 साल का 2 साल हो गया मैं लिखता रहा, 2 साल का 6 साल हो गया मैं लिखता रहा, वो 6 साल वो कहानी जिसे एक बच्चे के लिए लिखा गया था, दैट नाउ हैज बिकम द हाईएस्ट एंड द फास्टेस्ट सेलिंग बुक ऑफ भारत। मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी हैज बॉट द विजुअल राइट्स एंड वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग इट अ 3-पार्ट फिल्म। दैट स्टोरी ब्रॉट मी टू बॉम्बे फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश, एंड नाउ व्हाइल आई एम सिटिंग हियर, थैंक यू फॉर द ऑनर ऑल ऑफ यू।
आप लोग इतने पेशेंटली बैठ के सुन रहे हैं. आई राइट नाउ हैव 9 साइंड बुक्स अदर देन द हिडन हिंदू एंड आई हैव गॉट 9 फिल्म्स एज अ राइटर. सो ऑल ऑफ दिस, थैंक यू, थैंक यू. सो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड फ्रॉम वन फेलियर, फ्रॉम वन पेन दैट आई कांट सी माय सन. So you have to always decide how do you channelize your hatred, your pain, your failures. So wo hote hote ho gaya. So you started off writing so that your son could know about these mythological characters, perhaps the traditions we are losing. Was that a thought as well? And would you want our youngsters to know about them? Was that a salient agenda as well? Yeah, I mean, the story starts in a way ki ek aghori. How many of you understand aghori? Baki jo log haath nahi utha rahe hain, wo apne agal bagal walon se baad mein poochh lein. You know, enlighten them, please, before, as we go ahead. They're also called vagabonds, nomads. Bhasm lagate hain, jatayen rakhte hain, kam kapde pehante hain, cannibalism ki kahaniyon se judi hui hai. Aap unko kahin bhi dekhte hain, aapko dar lagta hai. Wo bhi ek Shiva bhakton ka sect hai. तो एक अघोरी पकड़ में आया 2020 में, 2020, who's claiming to have been on the face of the earth since the birth of the earth. उसकी उम्र नहीं बढ़ रही, वो मर नहीं रहा है, and he says that I've survived all the 4 yugas without dying. I've been a part of both Ramayana and Mahabharata. I've met both Ram and Krishna in person. And I'm the 8th immortal. None of those 7 immortals. I'm the 8th immortal that the world has never heard of before. I was hidden in the pages of past, which is why the name of the book The Hidden Hindu. And now I have revealed myself because now I am in search of the remaining 7 immortals that you and I know a little bit about. Hanuman, Parshuram, Ashwatthama, Vedvyas, Kripacharya, Raja Bali and Ravan's brother Vibhishan. This is also an irony ki hum log, hum Bharat mein rehke bolte hain Vibhishan ke liye ki ghar ka vedi Lankad hai. Ye to Lankans ko bolna chahiye na. Wo to bichara aapka saath de raha tha. He was standing on the side of dharma against his own brother and his own clan, but we are the people who have made this quotation, ghar ka bedi lankad hai. Wo bichara kahin ka nahi rahe, but he has been chosen as one of these immortals out of these 7. In a mythology there's a mention of the pushpak viman, Vishwakarma ne jo banaya tha brahma bhagwan ke liye, aur in the Ramayana there's a mention of Ravan flying in one as well. The ISRO is looking into the Ram Setu being man-made. And then there are the remnants of the Dwarka city that have been found of Gujarat. Bhagwan Krishna ki Dwarka Nagri. So are the lines between history and mythology blurring? Because some of it was mythology and now we understand there's proof of it being having actually happened, having actually existed. Okay, I'm asking a question. आप सब लोगों से एक बहुत सिंपल सा सवाल है, सवाल है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाया? न्यूटन, राइट? लॉ ऑफ ग्रेविटी को हमारे स्कूलों में अभी भी पढ़ाया जा रहा है, न्यूटन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट? नाउ दैट इज दैट वी आर teaching and learning in our schools, that law of gravity was discovered by Newton, is a myth. That is what is mythology. And let me tell you what the history is, which has become a mythology now. Your question, you know, that yeah, is it blurring? Of course it is blurring and we are blurring it up. Why? Aapko maloom hai, Newton ke paida hone mein to uncle bolna padega. Newton uncle ke paida hone ke 500 saal pehle, there was this man called Brahmagupta. Sorry, there was a man called Bhaskar II. उस समय द्वितीय चलता था ना, तो Bhaskar II न्यूटन के 500 साल पहले का एक आदमी है जिसने एक पूरी किताब लिखी है गुरुत्वाकर्षण पे. He took 3 lines from this Gupt, that I just Brahmagupt. Brahmagupt उनके भी 500 साल पहले थे जिन्होंने किताब लिखी, मतलब 1000 साल पहले न्यूटन के. ही रोट कि जैसे अग्नि का काम होता है भस्म करना, जैसे पानी का काम होता है शीतलता प्रदान करना, ठंडक देना, वैसे ही ये जो लैंड है, पृथ्वी है, उसका काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना. दीज वर जस्ट 3 लाइन्स इन ब्रह्मगुप्त बुक
which was picked up by this Bhaskar II 500 years after his death. And he said ki ye jo likha hua hai ki agni ka kaam ye hai, pani ka kaam ye hai, isko aaj main ek term de raha hu, wo term hai gurutvakarshan. Bhaskar II ke marne ke 500 saal baad Newton uncle paida hue the us apple ke ped ke niche baithne ke. तो आई वॉज इन क्लास सिक्स, जब सिक्स में फेल हुआ था तो रिपीट करने में पहुंचा था रायपुर, विच इज नाउ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. वहां पे हमारे एक सर थे उड़ीसा से आए थे, क्योंकि ये बात डिस्कवरी की बात चली, मुझे एक प्यारी सी बात याद आ गई, हो सकता है आप लोग को भी अच्छा लगे. तो सिक्स फेल होके गया था, तो आई थॉट मुझे तो आता है क्योंकि मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, और मेरे साथ वालों को पता भी नहीं कि मैं अंबिकापुर में फेल होके आया, पर मुझे थोड़ा थोड़ा आता है. पहला दिन था ओम पुआन सर का, उड़ीसा के सर थे, ही वाज आवर हिस्ट्री टीचर. ही केम एज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन. ही सेड गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी. आई सेड आई नो दैट. मैंने हाथ उठाया, ग्राहम बेल से लेके अब्राहम लिंकन तक जो जो नाम आता था, वास्को डी गामा, कोलंबस, सब बोल रहा. ही डिड नॉट इवन स्माइल. ही सेड ओके सिट अप. और भी कुछ होंगे अलग अलग जगहों से फेल होके आए होंगे, उन्होंने भी हाथ उठाया हुआ था, उन सबको मौका मिला. मुझे लगा ये आदमी इंप्रेस नहीं हुआ मेरे से, फर्स्ट डे है आज तो करेंगे. फिर से हाथ उठाया, फिर बोले ओके बोलो, और चार नाम मैंने घुसा दिए इधर उधर से, बोले हाँ ठीक है सेट. फिर दूसरों को टर्न, मेरे को लगा ये आदमी इंप्रेस हो गया है, लेकिन अभी मैं इसकी नजर में ठीक से आया नहीं. मैं तीसरी बार हाथ उठा दिया, क्योंकि सिक्स में फेल हो गए, बहुत सारे नाम याद कर लिए थे मैंने. और अब आपने कुछ नाम इन्वेंट किए क्या? नहीं, वो वहां तीसरी बार जब मैंने उठाया तो इट बैकफायर्ड. वो आदमी मेरे पे चिढ़ चुका था, तो बोले या यू स्टैंड अप. मैं खड़ा हो गया. व्हाट इज योर नेम? सिक्स क्लास स्टूडेंट. अक्षर गुप्ता सर. ही सेड यू नो व्हाट अक्षर, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, यू जस्ट सिट आउट. दैट वाज माय लर्निंग अबाउट द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, दैट माय डैड डिस्कवर्ड माय मॉम एंड इन्वेंटेड मी. लेटर स्टेजेस जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, I realized that it was the other way around. Actually, my mom proposed. Oh, really? Do you want to elaborate on that, sir? Very interesting. नहीं, वो जब जिस दिन यहाँ होंगे उस दिन हम लोग सब मिलके उन दोनों को एक साथ एम्बेरेस करेंगे. अभी उनके एब्सेंस में करके मजा नहीं आएगा. खैर, सो कुल मिला के ये जो हिस्ट्री और माइथोलॉजी जो वर्ड हम बार बार बोलते हैं, इसको ब्लर करने वाले हम ही हैं. आप सोचिए कि कितने से, एंड नाउ व्हाट आई एम गोना टेल यू और स्पीक, प्लीज डू नॉट टेक इट on to any religion. I'm talking the difference in cultures. We are the smartest people of mujhe nahi pata hai. So aapka jo sawal hai ki bhai iska ye hum local viewers pe kyon nahi dhyan de rahe hain, badhiya. Main abhi aapke samne jo pehen ke baitha hu, 1100 rupaye ka kurta hai, 400 rupaye ka pajama hai aur 700 rupaye ka sandal hai. क्या आपको इससे फर्क पड़ता है कि मैं महंगा पहना हूं या सस्ता पहना? नहीं पड़ता. मुझे बताने में शर्म नहीं आ रही, क्योंकि ये है लोकल ब्रांड्स को क्यों नहीं. भाई आपको आपको आज की डेट में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में क्या मालूम है? मैं एज गुप्ता तो ये चाहूंगा कि मेरा एक ब्रांड बने जिसपे लिखा गुप्ता. मतलब वाई शुड गबाना हैज ऑल द फन, वाई नॉट गुप्ता है? और आप लोगों ने मतलब हमने मेरे खुद के दिमाग में चलता है कि गुप्ता मतलब गुप्ता के रहना स्टोर. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कि गुप्ता मतलब गुप्ता के रहना स्टोर. तो जब मैंने सोचा था कि मैं लेखक बनूंगा तो सबसे पहले मेरे को मेरे पे डाउट आया. अब मुझे बताया गया कि जात से अक्षत तुम हलवाई हो. माई फादर इज मतलब हमारी जात है हलवाई गुप्ता के अंदर. बनिया नहीं हूं मैं. एक तो ये ढेला फेक रिश्तेदारी चलती है. ढेला मतलब पत्थर होता है. कि अच्छा आप गुप्ता है, मैं भी गुप्ता हूं. आप बनिए ही होंगे, मैं भी बने. अरे कोई भी हो तुम और कोई भी मैं, क्या फर्क पड़ता है? लेट्स बी गुड ह्यूमन बीइंग्स. तो आई एम ऑल्सो, बिकॉज मैंने बताया कि मैं हलवाई हूं, आई एम दी थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली इन टू हॉस्पिटैलिटी. हम कढ़ाई का पूरा माल बेचने के बाद उसमें चिपके खुरचन से, जो कि सबसे टेस्टी होता है, रात को अपना पेट भर के सो जाते हैं. और वहां से राइटिंग का सफर शुरू हुआ है. तो चेंज करना चाहेंगे तो चेंज हो जाएगा. और बैलेंस ऐसे ही रखना है जो हम अभी बात कर रहे हैं आप लोग. और इसमें कुछ लोगों को मुझसे ना इत्तेफाकी हो सकती है. यू मे
एग्री टू डिसएग्री एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके विद मी. हम लोग बोलते हैं सर, हम लोग बोलते हैं मैडम. सर शब्द का फुल फॉर्म है स्लेव आई रिमेन. जी SIR is slave I remain. ये शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका में. उन्होंने अफ्रीका में क्या होता था कि चार लोगों का ब्रिटिशर फैमिली होता था, वहां 10-12 स्लेव्स होते थे. वो साथ आते थे, गैदर होके रिवोल्ट कर देते थे, मार देते थे. वो लोग भी वायलेंट लोग थे. तो इसको तोड़ने के लिए इन लोगों ने ये शब्द इजाद किया और इन्होंने बोला कि ये काम करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को सर सिखाते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन यू विल कॉल मी सर, ताकि उनके नेक्स्ट जनरेशन में दिमाग में बैठे, सबकॉन्शियसली वो ब्रेक हो जाए कि वी आर नॉट इक्वल्स, स्लेव आई रिमेन टू यू. वो चल निकला, उसको लाया गया इंडिया. आज की डेट में अगर आप कल सवेरे कॉरिडोर में क्रॉस करते करते बोल देंगे ना कि गुड मॉर्निंग गुरुजी, तो सबसे पहले गुरुजी रोक के बोलेंगे कि क्यों मजाक कर रहा तू, हाउ डेयर यू जोक विद मी. दैट इज नॉट अ जोक, दैट इज हु यू आर. मैडम इज नॉट अ रिस्पेक्टफुल वर्ड अनफॉर्चुनेटली. लेकिन आप चल और मैडम मैडम जहां से निकला है, और आई थिंक यहां कोई बच्चा नहीं है अदर देन दिस वर्ड. हाय हाउ आर यू टुडे, रेस्ट ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स हियर. मैडम वर्ड वाज, इट कम्स फ्रॉम फ्रांस एंड इट वाज गिवन टू पीपल टू फीमेल्स हु यूज्ड टू सेल देयर बॉडीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड. दैट इज व्हाट अ मैडम इज. और उस समय जब वहां वो वर्ड चलता था उन लोगों के लिए, यहां पे हमारे लिए पता है क्या शब्द था? आज जो आप बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी मैडम, सॉरी मैडम, हाय मैडम, हमारा शब्द था देवी जी. देवी जी जरा जाने दीजिए. आज आप किसी को देवी जी बोलिए, वो ऑफेंड हो जाएगा, बोले मैं देखो देवी जी दिख रही हूं. हाँ भाई, आप मुझे देवी दिख रही हैं, आप भी किसी की माँ हैं आप. ये जो ये दिस इज द चेंज इन कल्चर. If you will start using those words, no. Automatically you will start respecting it. आप डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, तो झुकते हैं ना. Here it is. पता नहीं, I'm just speaking here and there. Sorry. So the gist would be that one must be aware of what we are saying, what we are doing, why, and then strike a balance and between tradition and what is what, and then accept it. फिर उसको. Of course, I mean we have to know the world, and we are knowing the world. We are leading in a lot of different departments. But before knowing the world, don't you think that we need to know ourselves? मैं अभी भी अपने बारे में एक चीज नहीं समझ पाता. वो मेरे आसपास वालों को समझ में आता. जब मैं चिड़चिड़ाने लग जाता हूँ ना, तो उनको समझ में आता है इसको भूख लगी, ये बहाने ढूंढ रहा है गुस्सा करने का, ये भूखा है. Louder, please. I wish to add on for Chitkara students and all the faculty members, this gentleman and this lady standing on both my sides, I have never before heard this department called happiness department. Will you please, Manav ji, will you please stand up? Manav sir, take a bow. Ye bahut zyada zaruri hai yaar. You guys are, all you students are blessed to have a department like that who's taking care of that. You're not sad. So, This is an amazing initiative and the credit. मतलब हर स्कूल में, हर कॉलेज में होना चाहिए. यहाँ है मानव जी, I'm proud of. और आशीष सर बस अभी एंटर किए हैं. Big round of applause to आशीष जी. आशीष सर, आपको एक चीज याद नहीं होगी. Please sir, बैठिए. I'll just take 30 more seconds. To introduce myself to Ashish sir and also to all of you once again. Sir, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक लाइक आया मेरे एक रील पे, और वो जब लाइक आया तो उसमें ब्लू टिक था, तो मैं जाके चेक करना चाहता था कि ब्लू टिक वाले किसने
मुझे लाइक किया है, तो वो आशीष विद्यार्थी सर थे एंड वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम राइट नाउ। और सर आपको याद नहीं होगा वो जो रील है, वो रील मेरी एक कविता है जो आप सब लोगों को सुना के मैं अपने एंड से इसको खत्म करता हूँ, एंड आशीष सर हैड लाइक्ड इट, शायद आपको याद आ जाएगा। वो था हिंदी और उर्दू पे, चंद लाइनें हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पोएट। तो बड़ा झगड़ा चल रहा ना हिंदू मुस्लिम और भाषा को लेके, तो मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ। जैसे लकीरें खींची हैं तुमने जमीन में आसमान में दिलों में जहान में, हर आत्मा हर रूह में हर नए नक्श हर मुंह में, वैसे ही चलो शब्द भी बांट लें लफ्ज भी काट लें, कि हिंदी का हाँ मैं रख लेता हूँ और उर्दू का वो तुम रख लो, मगर मसला ये है कि इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी। कि ये करके द को द से दर्द होगा या द से दुख, ये करके द को द से दर्द होगा या द से दुख, छोड़ो हटाओ द को द ही रहने दो, अब आशीष सर को अपनी बात कहने दो, भावनाओं को पहने दो। And ladies and gentlemen, we have Ashish Vidyarthi in the house. A big round.